नमस्ते, मैं विश्लेषा दास तरांडो खंडपड़ा उड़ीसा आदर्श विद्यालय कक्षा 7वीं की छात्री हूँ। मैं आज आप सभी को नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जो हमारा नई शिक्षा नीति 2020 है वो 34 वर्षों के बाद बदली गई है। अब इसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल, अमित खरे और अनिता अग्रवाल जी ने प्रमाणित किया है। इसमें जो सब नियम लागू हुए हैं, मैं आप सभी को उनके बारे में कहना चाहती हूँ। जो पहला नियम है वो ये है कि 12वीं तक की पढ़ाई अब 5+3+3+4 में बांटी गई है। जो पहले 5 वर्ष की पढ़ाई है वो फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें Montessori 1, Montessori 2, Montessori 3 Standard 1, Standard 2 है, जिसमें बच्चे आराम से पढ़ेंगे और उन्हें पढ़ाई की कोई भी लगाव नहीं रहेगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट 3 साल, जो होगी हमारी छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने की नीति, जिसको हम प्री प्राइमरी कहते हैं। इसमें बच्चे 3 से 5 साल तक पढ़ेंगे, Standard 3, Standard 4, Standard 5, इसमें हम पहली और दूसरी कक्षा को भी शामिल करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट 3 साल, जो 6 से 8 तक होगी, इसमें बच्चे गणित शिक्षा, कला शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा और विज्ञान शिक्षा पर ध्यान देंगे और शिक्षक इन्हीं शिक्षाओं पर बच्चों को अच्छे से भविष्य के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेज, 9 से 12 तक की पढ़ाई। इसमें बच्चों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और नियमित पुस्तकों और पाठ्यक्रमों पर ध्यान दिया जाएगा, बच्चे कैसे पढ़ते हैं। अब जो स्ट्रीम सिस्टम पुराने शिक्षा नीति पर था वो अब खत्म, यानी कि अगर कोई आर्ट्स का बच्चा चाहे तो वो साइंस के पाठ्य पुस्तकों को नहीं पढ़ सकता, पर अब ऐसा सिस्टम हुआ है कि अगर एक कॉमर्स का बच्चा चाहे तो वो इतिहास पढ़ सकता है, अगर कोई विज्ञान का बच्चा चाहे तो वो भी अकाउंटेंट पढ़ सकता है, आदि कर सकता है। और सबसे मेन बात यह है कि अब 5वीं तक की पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अंग्रेजी की किताब रहेगी, जिसमें बच्चों को, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में कम उम्र के बच्चों को शिक्षक अनिवार्य करते हैं कि आप सभी को इंग्लिश में ही बात करेंगे, आप सब इंग्लिश में ही लिखेंगे, वो अनिवार्यता नहीं रहेगी। अब उसके बाद हम व्यवहारिक ज्ञान पर ध्यान देंगे, यानी कि कक्षा 6 से 8 या फिर कक्षा 6 से आगे बढ़ते हुए बच्चे कंप्यूटर कोडिंग बनाना सीखेंगे, जैसे चाइना के बच्चे सीखते हैं, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने की टेक्निक भी सीखेंगे। जो 9 से 12 तक की एग्जाम होगी वो अब सेमेस्टर एग्जाम होगी, यानी कि हर 6 महीने में एक एग्जाम। मैं अभी 7वीं में हूँ, जब मैं 10वीं में जाऊंगी तो हमारा 2 एग्जाम होगा, जिसे सेमेस्टर कहेगा, और उन दोनों के अंक को मिलाकर हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद आता है हमारा जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो 360 डिग्री, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं 360 डिग्री, के अनुसार बनाया जाएगा, यानी कि उसके जो मार्क्स आएंगे या फिर अंक, उन्हें मिलाकर बच्चों के व्यवहार, बच्चों के आचरण उच्चारण, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ और उनके खास तौर पर उनके मानसिक क्षमता पर ध्यान दिए जाएंगे टीचर। और उसके बाद आता है जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उन्हें जो एग्ज़ाम आएगा, बच्चे जो भाषा उन्हें अच्छा लगता है वो उसमें ही परीक्षा देंगे। उसके बाद थोड़े कॉलेज के नियम भी आते हैं, जो है कि अगर कोई बच्चा चाहे उसमें 12वीं में या फिर 11वीं में उसके कम अंक आए हैं तो वो एक एग्ज़ाम दे सकता है, उस जिसका नाम है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें वो एक एग्ज़ाम देगा जिसका नाम है कट ऑफ एग्ज़ाम। कट ऑफ एग्जाम में वो बच्चा अपने अंक को सिक्योर करके अपने पसंदीदा कॉलेज में पढ़ सकता है। और अगर मैं अब प्लस 3 में हूँ या फिर मैं 9 से 12 11वीं में पढ़ती हूँ, मेरा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं अभी कॉलेज छोड़ रही हूँ, तो मैं उसके बाद आकर भी उसी सेम पाठ्य पुस्तकों को पढ़ पाऊंगी, जो कि हमारे पुराने शिक्षा नीति में नहीं था। अगर मैं पुराने शिक्षा नीति के अनुसार जाती तो मुझे फिर आके 11वीं को स्टार्ट करना पड़ता, जो अब नहीं है। उसके बाद अगर हम चाहें तो हमें 11वीं का सर्टिफिकेट मिल सकता है, अगर हम 12वीं तक चाहें तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिल सकता है, अगर हम चाहें तो हमें ग्रेजुएशन फुल करने के बाद भी सर्टिफिकेट मिल सकता है।
अब जो मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ वो लास्ट पॉइंट मेरे मुताबिक है, वो ये है कि जो रिपोर्ट कार्ड हमारे 360 डिग्री में बनाया जाएगा उसमें हमारे शिक्षक हमको खुद मार्क देंगे, हमारे सहपाठी हमको मार्क देंगे और हम छात्र छात्राएं खुद हमको मार्क देंगे। ये सब नियमों मैं आपके साथ बता रही हूँ। थैंक यू।